तो शांति चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। दिमाग कहीं इधर कहीं उधर, इधर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है ना, कोई एक काम में मन लग रहा है, जैसे इधर भाग जा रहा है कहीं ये करने के लिए, कहीं ये समझ नहीं आ रहा, समय फेलियर देखता चला जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए अच्छा। कि शांति किसको आप समझते हैं? शांति का मतलब सर, शांति यही होगा स्वामी जी की, मतलब क्या बताया जाए, शांति का मतलब किसी कार्य को कंसंट्रेट होकर कर ले, वो भी नहीं होगा सफलतापूर्वक कर ले उसको, शांति या तो उसको कह सकते हैं जैसे किसी करने के चीज में बाद। मोह माया ना हो, किसी चीज पे फोकस हो तो पूरा उसी पे फोकस हो, और एकदम पीस में जाके मिले, वो पीस होनी चाहिए। जो आप बैठते हो तो कुछ ना सुनाई दे, सीट के अलावा जैसे नहीं होते, जैसे हॉर्न टाइप का बजता, वो उस मुद्रा में या शांति मिल सकती है, लेकिन दिमाग ऐसा ला फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम लोग के इंद्रियों से जी संवेदनाएं भीतर हम लोग के मस्तिष्क में जाती है, जी आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जी स्वाद से। तो ये संवेदनाएं फिर संस्कार भी बनाती हैं। अब उन संस्कारों को हम लोग फिर भाषा में लाते हैं, अभिव्यक्ति में लाते हैं, तो फिर उसको हम लोग मेमोराइज करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी जो ऐन्द्रिक संवेदनाएं हैं और जो भाषा है, जो लिपि है, लिखने में प्रयोग हो जाए, चाहे कोई चित्र है देखने में प्रयोग हो जाए, या कोई ध्वनि सुनने में हो जाए, ये सब संस्कार बनाते हैं। और जहाँ तक संस्कारों की श्रृंखला है वो सब अशांति है। एक्चुअल में संस्कार है क्या सर? जितने भी इम्प्रेशन है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है इसको मैं देख रहा हूँ, तो इसका हमारे में संस्कार पड़ा, इम्प्रेशन पड़ा, इसका चित्र आया। अगर इसको टच करूँगा तो उसकी संवेदना जाएगी दिमाग में, हाँ तो इम्प्रेशन बनेगा, एक छवि बनेगी दिमाग में, उसके स्पर्श की छवि बनेगी। तो एक अंधा आदमी जैसे किसी को छू करके समझ जाता है कि यह हुआ चीज़ है, तो वो छू के कैसे समझता है? पहले से छुआ हुआ है, उसके दिमाग में संस्कार पड़े हुए, मेमोरी पड़ा हुआ है पहले से ही, उसी से वो उसको मिलान करता है, दिमाग जो पहले से पड़ा हुआ उसे मिलान करता है, मिलान करके वो फिर एक तीसरा इम्प्रेशन देता है कि यह चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा संभावना है कि यह चीज़ है यह। तो ये जो सारी जो श्रृंखलाएँ हैं इंद्रियों की, अनुभूतियों की, ये सभी श्रृंखलाएँ जो हैं ये सब अशांति हैं, क्योंकि यहाँ हलचल है, गतिविधियाँ हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ तक क्रियाएँ हैं वहाँ तक जो है अशांति अशांति, हलचल ही हलचल है। और हलचल और तेज़ हो जाती है जबकि ये जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, ये जब आपस में पूरा मेल नहीं खाते हैं, जब ये टकराने लगते हैं, समझ रहे हैं, उथल पुथल जब मचता है, तब ये अशांति और बढ़ती चली जाती है।
उथल पुथल और बढ़ते जाते हैं। तो लहरें हम लोग के दिमाग में, मस्तिष्क में तरंगें उठती हैं इन संस्कारों की वजह से और इन संवेदनाओं की वजह से। जैसे हम कुछ देखा तो देखने से वहाँ दिमाग में इंप्रेशन कैसे बनता है, वहाँ कुछ जो है तरंगें उठती हैं। हाँ हाँ, वो तरंगें उठती हैं, तो उन तरंगों से जो है हलचल होती है। हलचल हो गई मतलब कि अशांति। अब इसी का विपरीत क्या है, शांति क्या है, जब किसी प्रकार का कोई हलचल ही नहीं हो, समझ रहे हैं, कोई इंप्रेशन नहीं हो। जैसे कि एक ऐसा झील हो जो बिल्कुल शांत हो, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, एकदम स्थिर है। तो जब एकदम स्थिर होगा, कोई इंप्रेशन नहीं होगा, तब होगा कि यह बिल्कुल शांत है। ऐसा क्षण मनुष्य को बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। जैसे जब बहुत गहरी निद्रा में मनुष्य सो जाता है, बहुत गहरी निद्रा में, उस समय दिमाग में हलचल नहीं होती है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद फिर स्वप्न में आ जाता है तो हलचल शुरू हो जाती है। फिर उस घोर निद्रा में जाता है तो हलचल नहीं। उसी तरह से यदि मनुष्य बेहोश हो जाए तो भी हलचल नहीं होती है। तो वो एकदम पड़ा हुआ है, उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं हो रही है, कोमा में जब वो हो जाता है। तो वह एक शांति का क्षण होता है, परंतु वैसी शांति जिसको कि वह महसूस ही नहीं कर पाता है। मतलब उसकी अंतः चेतना तो महसूस करती है, लेकिन उसकी जो बाह्य चेतना है वह उसे महसूस नहीं कर पाती है। यानी जब हम घोर निद्रा में हैं, उस समय हमें पता नहीं है कि हम घोर निद्रा में हैं। हम तो जब उठ करके आते हैं तो हमें पता चलता है। जब हम बेहोश हैं तो हमें पता नहीं है कि हम बेहोश हैं। जब हम होश में आते हैं तो हमें पता चलता है कि उतना समय जो हम होश में नहीं थे, बेहोश में थे। यानी वह बेहोशी को हम महसूस नहीं करते, उसको हम एक एज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हम बेहोश थे। लेकिन जब बेहोश थे उसको पता तो था नहीं बेहोश था। वह तो दूसरे लोग भी बोलते हैं, अरे भाई तुम बेहोश हो गए थे। और खुद को भी लगता है, अरे हम कहाँ थे, देखो कहाँ गिरे हुए। हाँ, खुद पता नहीं। उसी तरह जब गहरी निद्रा में थे तो पता नहीं। तो शांति के वे क्षण तो हैं, परंतु वैसे क्षण हैं जिसको हमको पता ही नहीं। यदि वही क्षण हमको पता भी चल जाए, अनुभूत हो जाए, तो हमें शांति क्या होती है पता चल सकता है। उस क्षण को ही महसूस करने के लिए तमाम तरह के साधनाएं हैं, जो जितने भी संस्कार हैं उससे आगे जाने के लिए, और जितनी भी गतिविधियाँ हैं उससे आगे जाने के लिए होती हैं। हम लोग के मस्तिष्क में कई तरह की तरंगें चलती हैं। विज्ञान की भाषा में यह बहुत है, अल्फा तरंगें हैं, डेल्टा हैं, गामा हैं, थीटा हैं, बीटा हैं, सब तरंगें हैं। तो जब हम बिल्कुल शांति वाली अवस्था में आएंगे तो उस समय थीटा की तरंगें हैं, गामा की तरंगें हैं, ये सब तरंगें होती हैं विज्ञान की भाषा में। और व्यवहार में अनुभूत करने के लिए है कि हमें ये जो सांसारिक संवेदनाएं हैं, जो इंद्रियों की संवेदनाएं हैं, और इनकी जो याददाश्त है, उससे हम आगे चले जाते हैं। उस अवस्था में हमें शांति महसूस होती है। और बाकी यह जो शांति है, जो समानता कहते हैं, अरे पहाड़ पर चले गए बड़ी शांति, ये सब शांति को नहीं समझने की वजह से है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक आपको ओपन स्पेस मिलता है, और उससे जो है आप कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। हम लोग को जहाँ जहाँ भी ओपन स्पेस मिलता है, आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जितना बड़ा कमरा होगा उतना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना छोटा रहेगा उतना परेशान रहेंगे। जितना तंग कपड़ा पहनेंगे उतना जो है परेशान रहेंगे, जितना ढीला पड़ेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपका दायरा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो जब आपका स्पेस बहुत बढ़ गया है वहाँ, तो आपको लगता है कि सुख मिल रहा है, तो शांति मिल रही है, मिलती है, थोड़ी हल्की है, उसकी एक झलक है, ऐसा कह सकते हैं। मूलतः हमको स्पेस में जाना है, वहाँ पर हमें स्पेस में जाना है। समझ रहे हैं? स्पेस में जाना है का मतलब यह हो गया कि ये सब जो पदार्थ हैं,
और ये जो ऊर्जा है, हाँ, जो गतिविधि करती है, जो क्रियात्मक है और उस क्रिया का बदला हुआ स्वरूप है पदार्थ और ऊर्जा, इनसे हमको आगे जाना है, हमें स्पेस में जाना है। तो यहाँ या तो मैटर है, पदार्थ है, या फिर टाइम है। हाँ, तो मैटर है, टाइम है, और मैटर में ही समझ लो एनर्जी भी है, ऊर्जा है। इन तीनों के डायमेंशन से हमको आगे जाना है, फोर्थ डायमेंशन में जाना है, और वो है स्पेस का। स्पेस में जाएंगे, खालीपन में जाएंगे, जहाँ ये तीनों चीज़ नहीं हो, तो वहाँ पर शांति का एहसास होगा। अगर वहाँ हम गए, हमारी चेतना वहाँ सजग है, हम बेहोश नहीं हैं, हम निद्रा में नहीं हैं, तो हमें शांति की अनुभूति होगी। ये तीनों चीज़ों को कैसे क्रॉस करेंगे? और समय में जितना हम बरतेंगे उतना हम डिस्टर्ब होंगे। देखते हो, समय से टाइम से रेस करोगे तो देखोगे कि उतना परेशान हो जाओगे। बिल्कुल। जैसे अभी ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छूट रही है, जल्दी जल्दी चलो, डिस्टर्ब हो जाओगे। वही चीज़ पूछने वाला था कि तो टाइम से रेस करता है आदमी तो अशांत हो जाएगा, उसी तरह से पदार्थ से रेस करेगा तो अशांत हो जाएगा, पदार्थ की कामना करेगा तो अशांत हो जाएगा, समय को अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा तो अशांत हो जाएगा, ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा तो अशांत हो जाएगा। यानी जिसको हम पजेस करना चाहते हैं, जिसको हम अपन ग्रहण करना चाहते हैं, संजो को रखना चाहते हैं, या बढ़ाना चाहते हैं, या घटाना चाहते हैं, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, जितने समय में, वो सब हमको अशांति देता है। बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल। इसलिए जितना भी धन कोई बटोरता है उतना ही और डिस्टर्ब होता जाता है, जितना ही ज़्यादा व्यक्ति तेज दौड़ेगा, भाई ऊर्जा से दौड़ेगा, उतना डिस्टर्ब होगा, वो उतना अशांत हो जाएगा। बहुत तेज दौड़ने वाले को तो समझ में भी थोड़ा नहीं, विचार भी नहीं कर पाता है वो, बहुत स्पीड में दौड़ता हुआ कोई जो है ना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसके लिए उसको शांत स्थिर बैठना पड़ता है, समझ रहे हो? तो जितना हम क्रियात्मक होते जाएंगे उतना ही जो सूक्ष्मता वाली चीज़ हैं, जटिल चीज़ें हैं, उससे हम उतना दूर होते जाएंगे और स्थूल हो जाएंगे। हम मोटी मोटी बात थोड़ा बहुत सोच सकते हैं और वो अशांति हो जाती है। ओके, तो जितना क्रियात्मक ज़्यादा होंगे उतने अशांत हो जाएंगे, जितना पदार्थ इकट्ठा करेंगे उतने अशांत हो जाएंगे, जितना धन उतना अशांति, जितना ज़्यादा पद के पीछे भागेंगे उतना अशांत, किसी के भी पीछे भागे तो अशांत, शांति के भी पीछे भागे तो अशांत हो जाएंगे, समझ लेना। शांति के भी पीछे भागेंगे तो अशांत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो भागना जो है ना वही तो अशांति है, तलाश ही तो अशांति है, पाने की इच्छा कामना वही तो अशांति है। शांत कब है? जब हमको कुछ चाहिए नहीं, जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस जैसा हूँ जितना हूँ बस संतुष्ट हूँ, तो हो सकता है। तो जितना भी पदार्थ इकट्ठा करेगा, जितना भी सामान वो जुटाता जाएगा, उसकी कामना करता जाएगा, जितने पद की कामना करता जाएगा, और जितने समय में जल्दी में रेस में करेगा उतना डिस्टर्ब होगा। ये सब सब अशांति है। और शांति ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ पर चला जाएगा तो शांत हो जाएगा, ये सब बड़ा फहमी है कि कोई मंदिर में चला गया तो शांत हो जाएगा। नहीं, मंदिर में तो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ तो उसकी तलाश क्या है, उसकी मांग क्या है, उस पर निर्भर करता है। जब हमारी कोई मांग नहीं है तो हमें शांत हो सकता हूँ, समझ रहे हो? जब हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो जब मुझे कुछ बचाना नहीं है, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नहीं बचाना, अपने दिमाग को भी नहीं बचाना है, कुछ भी बचाना नहीं है, वैसी स्थिति में जो बच जाता है वो शांति है। जब तक हम बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं अपने प्राण बचा लूँ, अपने देह बचा लूँ,
अपना स्वास्थ्य बचा लूँ, कुछ भी बचा लूँ, तो ये हमारे लिए एक अशांति लाता है। तो अशांति काफ़ी रहस्यमयी है। अशांति को समझ जाओगे तो शांति समझ में आसानी से आ सकती है, अप्रत्यक्ष समझ में आएगी। लेकिन शांति को जीने के लिए तो इन सभी चीज़ों से व्यक्ति को विरक्ति हो जानी चाहिए, इनमें रुचि नहीं होनी चाहिए। और यदि रुचि है तो फिर आपको अशांति होगी, और जितनी रुचि होगी उतनी ज़्यादा अशांति होगी। तो इसलिए जितना तेज गति से आप सोचेंगे कुछ इकट्ठा करना उतना अशांति होगा। हाँ, धन तो आएगा, धन चाहेंगे, पद भी आएगा, पद चाहेंगे तो, लेकिन शांति तो नहीं आएगी ना। शांति तो तभी होगी जब हमको कुछ चाहिए नहीं। जैसे शांति बहुत ऊंचा शब्द है, लेकिन इसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं, सामान्यतः लोग बहुत हल्के में लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्यों नहीं? प्रॉब्लम है तो सॉल्व है, लेकिन तब सॉल्व है जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझें। प्रॉब्लम इस क्यों है? प्रॉब्लम वो थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हमारी कामना है ना। बट हमें तो जीने के लिए तो धन चाहिए, जीने के लिए तो धन चाहिए। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए भी तो खाना चाहिए। हाँ, उसको भी रूटीन में करना है। हाँ, वो भी टाइमली करना पड़ेगा। हाँ, यदि टाइमली नहीं करते तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। अब पैसा नहीं रहेगा तो फिर स्वस्थ रहने के लिए नीड है पैसे का, धन का तो नीड है ना। हाँ, सब कुछ एक दूसरे से सब तो मिला जुला है ना, तो फिर तो नीड खत्म कहाँ होने वाली है? देखो ऐसा है कि हम लोग का शरीर क्या डिमांड करता है, तुम जरा गौर करो, अच्छा से चिंतन करो, तो तुम पाओगे कि हम लोग का जो शरीर है इसकी जो प्राकृतिक वास्तविक जो डिमांड है वो भोजन की है। राइट, ठीक है। लेकिन किस तरह का भोजन चाहिए इसकी इसको जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं मांगता है शरीर। कभी शरीर ने कहा कि मुझे रसगुल्ला दो, कि पेड़ा दो, कि आम दो, कि हमको शराब दो, कभी कहा? शरीर नहीं नहीं कहा, कभी संकेत नहीं दिया। शरीर ने क्या संकेत दिया? मुझे भूख लगी है, भोजन दो। समझ रहे हो? शरीर का यह संकेत है। यानी वह जो वैरायटी की डिमांड करता है, यानी चॉइस जो करता है, वह माइंड का खेल है, वो कामनाओं का खेल है। और ये जो कामनाएं हैं ना, ये अशांति लाती है। अशांति किसको महसूस होती है? माइंड को, बॉडी को थोड़ी महसूस होती है। शांति तो माइंड को ही माइंड को होगी ना। तो माइंड के खेल को समझना पड़ेगा और बॉडी के खेल को समझना पड़ेगा। हम बॉडी और माइंड को जब तक अच्छा से नहीं समझेंगे तब तक हम यह नहीं समझ सकेंगे कि वास्तव में हमारे को चाहिए क्या। हम समझ रहे हो, हमारा शरीर क्या चाह रहा है, हमारा शरीर का ज़्यादा अनुभव है। माइंड तो बाद में विकसित होता है, जो कामना करता है माइंड बाद में विकसित होता है। गर्भ में दिमाग बाद में बनता है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। शरीर हमारा भोजन मांगता है, शरीर पानी मांगता है, मन हमारा अमुक 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 भोजन चाहिए वह मांगता है, वैरायटी मांगता है। समझ गए? शरीर पानी मांगता है, शरीर यह नहीं कहता कि आपको बिस्लरी का पानी दो, शरीर कहता है हमें प्यास लगी है पानी चाहिए, प्यास लगी है पानी चाहिए। अगर तुम वह डिमांड पूरी करना सही है, उससे तुम्हारे में अशांति नहीं आएगी। अशांति तब आएगी जब कहोगे कि मुझे बिस्लरी का पानी दूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर सोचोगे मुझे पानी चाहिए, पानी देना है, तो अशांति नहीं आएगी। उस तरह की चीज़ों को, यानी जो वास्तव में जो ज़रूरत है जीवन के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अशांति नहीं होती।
अशांति होती है जब हमको कई तरह की वैरायटी चाहिए। ये शरीर हम लोग का नहीं कहता है कि हम लोग को बहुत बड़ा हवेली चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। इसे इसको बस रहने का एक स्थान चाहिए, उतना मात्र काफ़ी होता है। पेड़ के नीचे भी रह सकता है, झोपड़ी के नीचे भी रह सकता है, एक कमरा काफ़ी है, एक बेड काफ़ी है, कहीं ये रह लेगा। हाँ, और जिद नहीं करेगा कि मैं यहीं रहूँगा। जिद माइंड की होती है, शरीर की नहीं होती है। तुमको समझना पड़ेगा कि शरीर का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है। जब तुम शरीर के धर्म को समझोगे तब तुम शांति की ओर बढ़ जाओगे, और जब मन के हिसाब से चलोगे तो अशांति को प्राप्त होगा, क्योंकि मन में अशांति है। मन जब तक है अशांति है। शांति कहाँ है? जहाँ अवमन की अवस्था है। मन कभी भी शांत नहीं होता है। लोग सोचते हैं मन मेरा कैसे शांत हो जाए, मन कभी शांत नहीं होता। शांत तो अवमन है, अवमन की जो अवस्था होती है उसको शांति कहते हैं। बर्फ कभी भी गर्म नहीं होता, होता है क्या? नहीं। हम गर्म बर्फ की तलाश में निकलेंगे तो कहीं नहीं मिलना, क्योंकि उसका वह स्वभाव है। तो मन का स्वभाव है, मन का जो धर्म है उसको समझो। मन का धर्म अशांति है। मन जो कुछ भी करेगा उससे अशांति आएगी, कुछ भी करेगा तो शांति आएगी। और अमन से मन में प्रवेश करके शरीर जो व्यक्त करेगा वो शांति होती है। उसमें मन तो आएगा लेकिन उसकी जो संवेदना है वो अमन से आ रही है, इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं होती। वो युद्ध के मैदान में भी स्थिर हो सकता है, युद्ध करता हुआ भी शांत हो सकता है। वो शांत होते हुए जो युद्ध करना सीख सकता है ना, उसी की वास्तविक शांति है। गुफा में बैठ करके बहुत लोग शांत रहते हैं, लेकिन तमाम हलचलों के बीच में जो शांत रहता है, जिसका दिमाग का बैलेंस बिगड़ता नहीं है, वो शांत है। और ऐसा कब होता है? जब उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं होती है। तो तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए कहीं मना नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको समझना पड़ता है। तो जब हम कर्म करते हैं सबके कल्याण के लिए तो वह अर्थोपार्जन करते हैं, तो उसे अशांति नहीं आती। अशांति तब आती है जब सोचते हैं कि मैं इसमें से एक ढेला भर किसी को नहीं दूंगा, सब मैं अपने पास रखूंगा, जिसको दूंगा बदले में कुछ लूंगा, उसका शोषण करूंगा। इस तरह की जितनी भावनाएं आती हैं ना मन की, इसमें मन की उदारता नहीं रहती है तो वो अशांति से, हलचल से वो उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति कितना भी कमाता जाता है वो परेशान रहता है। तो हम किसी कर्म को किस तरीके से करते हैं उससे मन पर बहुत असर पड़ता है। तो उस वह जो उसकी जो क्रियाएं हैं, जब उसकी क्रियाएं हमारे बॉडी की क्रिया से, यानी हमारा बॉडी और माइंड जो है जब एक रिदम में लय में चलता है ना, उसको नृत्य कहा जाता है, उसको संगीत कहा जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं और उसके अनुसार से हमारा शरीर वाइब्रेट करता है, हमारा माइंड वाइब्रेट कर रहा है, समझ रहे हो, तो वो एक संगीत बनता है। और संगीत जो है आनंद लाता है, समझ रहे, वो शांति से और आगे की अवस्था हो जाती है। तो जब हमारा शरीर जो है मन के साथ एक लय बनाता है और तब झूमता है तो वो नृत्य बनता है। जब वो बहुत गहराई में, अंतम गहराई में, अंतः चेतना से वो जब आती है तब। लेकिन वही जो है अगर कोई पैसा देकर के हमें नचा रहा है तो वो बात नहीं हो, क्योंकि बाहर से संवेदना उसकी आ रही है। उसका जो शरीर डोल रहा है वो अंतः चेतना की प्रेरणा से नहीं डोल रहा है, वो बाहर के रुपये की प्रेरणा से डोल रहा है, है ना। बाहर दिखावे के लिए नाच रहा है, अपने अंत प्रेरणा से नहीं नाच रहा है। इसलिए वह जो नृत्य है वह नृत्य ऐसे जैसे सिनेमा वाले सब नाचते हैं, पर अंत प्रेरणा से, जैसे मीरा नाचती थी,
दोनों के नृत्य में बहुत फर्क है, बाहर से देखने से एक जैसा लगेगा। तो हमारे अंतमतम गहराई से जब कोई चीज आती है, कोई संवेदना आती है, तो उसके लय में जब हमारा दिमाग आ जाता है ना, तो अवमन की अवस्था हो जाती है, तब वो डिसीजन नहीं लेता है मन, तब उधर से वो अमन जो है वह डिसीजन लेता है, वहां से डिसीजन हो करके आता है। अंत प्रेरणा से वो आत्मिक निर्णय होता है, तो वह निष्काम होता है, उसमें कामना नहीं होती, और तब उस अर्थ में शांति उसे महसूस होगी, तो कुछ भी करता हुआ शांत रहेगा। हमें जॉब करना है, जॉब की हमें नीड है, तो पैसे के हिसाब से आदमी अपना चूज करता है। कभी कभी ये होता है कि इतना मिल रहा है, इसका तैयारी करो, तुम जैसे जैसे जॉब है तुम्हारे, कर्म करता है। मैं तुमको इनका नाम सुने हो ना, संत रविदास जी का जी, तो वे जूता सिलते थे जी, कर्म तो कर रहे थे ना जी, रहे। उनके जो गुरु थे काशी नरेश थे, तो काशी नरेश ने कहा, गुरु जी ये चमड़ा सीने वाला क्या, आप जो आपको व्यापार करना था हम पैसे दे देते हैं, धन दे देते हैं, कोई बड़ा व्यापार करें। बात समझ रहे हो, अभियान समझना, तुलना समझना। तो रविदास जी ने कहा कि हमें जो है इतने से संतुष्टि है, जो कर रहा भगवान ने मुझे इतना दिया है, इतना से संतुष्टि है, हमें प्रोन्नति नहीं चाहिए। प्रोन्नति तो हमें उसमें चाहिए, अध्यात्म में प्रोन्नति चाहिए ना। यह तो एक आजीविका का हो गया, इसे ठीक है, प्रभु का काम समझ लिया, इसी से प्रभु कुछ दे देंगे तो उससे ठीक है, हम कुछ मिलेगा, आनंद नाम में मिल जाएगा, कुछ परिवार में मिल जाएगा, कुछ और अतिथि आ गया उसको मिल गया, कोई और यार दोस्त आ गया उसको मिल गया, हो जाएगा। लेकिन जब आपकी नज़र जो है वो वहाँ पर है, धन पर है, तो फिर तो आप तो फिर उसको बढ़ाते चले जाएंगे, फिर उसका कोई लिमिट नहीं है, पूरी उम्र पार हो जाएंगे। कितने लोग जो हैं कमाते 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 अरबपति खरबपति बन गए, तो उनकी भूख तो खत्म हुई नहीं, लोभ तो खत्म हुआ नहीं, उनकी गरीबी दूर हुई नहीं, वे तो समझ ही नहीं पाए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी, कितना मैं कमा लूँगा कि अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, वे तो ये सोच ही नहीं पाए, तो कमाते चले गए। जबकि आदमी को पता होना चाहिए ना कि मुझे कितनी ज़रूरत है, मेरी गरीबी कहाँ दूर होती है। गरीबी अमीरी की कई तरह की परिभाषाएँ हैं, एक परिभाषा तो है सप्लाई के हिसाब से, और एक परिभाषा है डिमांड के हिसाब से। गरीबी अमीरी की दो तरीके की परिभाषा हम लोग कर सकते हैं, कितना हमको चाहिए यह डिमांड के हिसाब से है, जितना हमको चाहिए हम उतना गरीब हैं। हमें अगर 10 लाख रुपया रोज चाहिए तो हम 10 लाख रुपया के हिसाब से गरीब हैं। अगर कोई 1,000 रुपया ही किसी की डिमांड है, तो इसका मतलब वह जो है वो ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी मांग कम है। जिसकी जितनी कम मांग है वो उतना अमीर है, मांग की परिभाषा के हिसाब से। और सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए, जो सामान्यतः लोग समझते हैं कि जितना जिसके पास ज़्यादा है, जितना वो चाह रहा है ज़्यादा कटोरा हुआ है, उसके हिसाब से अमीरी है। तो ये दो तरह की अमीरी है। तो आध्यात्मिक अमीरी वही मानी जाती है कि जितने कम में हम जी सकते हैं उतना हम अमीर हैं, हम उतना कम गुलाम हैं, हम उतना स्वतंत्र हैं, हम जिसके बगैर नहीं जी सकते हैं उसके हम गुलाम हैं। जैसे कि हवा के बगैर हम नहीं जी सकते, है ना, तो हवा के हम दास हैं, हवा पर हमारा टिका हुआ है प्राण, है ना।
जब हम कहते हैं कि अरे तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता, जैसे प्रेमिका प्रेमिक कहते हैं ना, तो वो एक दूसरे पर निर्भर है, इसका मतलब उसके दास हैं, और जब दास हैं तो शोषण होगा, अशांति होगी। तो जितना हम मुक्त होते जाएंगे, हमारी इच्छाएं और हमारी ज़रूरतें जितनी कम होंगी उतना हम शांत होंगे, जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा अशांत होंगे, और जितने चीज़ों को हमने लिया है उनको क्या हम अपना मानते हैं? यदि हम अपना मानते हैं, अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं, तो हम अशांत होंगे। यदि हम परमेश्वर का मानते हैं तो हम अशांत नहीं होंगे। और यही समझना चाहिए कि हम अशांत हैं या नहीं अशांत हैं, तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है। यदि भक्त है तो अशांत नहीं होगा, परमेश्वर का ही है, अशांत क्या होना उसको। तो आदमी अपनी भक्ति का टेस्ट कर सकता है, समझ रहे हो? जी जी जी। हाँ, तो ये जॉब परमात्मा का जॉब है ऐसा सोचोगे तो अशांत नहीं हो, ये मेरा जॉब है सोचोगे तो अशांत हो। बट स्वामी जी, हमें तो चाहिए, नीड तो है, जैसे क्या यदि पैसा हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। अच्छा, ये सोचो, मैं बात ठीक है, मैं समझ गया, तुम पर्याप्त का तो कोई वो ही नहीं ना, मापदंड नहीं है ना, पर्याप्त किसके लिए? तो कहाँ से वो पर्याप्त तो मापदंड है ही नहीं, तुम कितने को पर्याप्त समझोगे? आज 100 को पर्याप्त समझोगे, कल 500 को पर्याप्त समझोगे? ये पर्याप्त की परिभाषा कुछ हो ही नहीं पाएगी। हाँ, यह धन जो है सब ईश्वर का है, चाहे एक धेला भी क्यों ना हो। हाँ, अभी फोन करा थी नहीं, नहीं। तो यदि ऐसा हम सोच लेते हैं कि हर एक रत्ती भी है ना, तो ईश्वर ही का ही है, ईश्वर का ही अंश है, वो ईश्वर ही है, ऐसा हम सोचते हैं तो फिर हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और नहीं तो ऐसे कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। अब तुम सोचो इतना कमा के क्या करोगे? अब उदाहरण के लिए मान लो कमाते हो, ठीक है, तुम जीते हो, ठीक है, जी करके क्या करोगे? क्यों जीवन चाहिए तुम्हें? जीवन कभी सोच इस पर विचार किया हो, क्यों जीवन चाहिए? और इतना जीवन जी करके फिर तो आदमी मर ही ना जाता है, इतना प्रयास करके, इतना हेल्थ के प्रति चेतन हो करके और दवाई करके और ये करके वो करके अंत में मर ही ना जाता है, अंतिम परिणति तो वही हो जाती है, सारा उपाय करके अंत में मर ही जाता है वो, हर उपाय करके अंत में मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हम तो मृत्यु में जा ही रहे हैं ना। तो अब हम जो है ये जीवन जो है हमारे पास, इस जीवन को हम क्यों बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि ये बरकरार रहते भी नहीं जीती ये जीवन, तो कितना भी लाख प्रयास करने के बाद भी ये जीवन तो नष्ट ही ना हो जाता है, फिर भी हम सोचते रहते हैं कि नहीं, इसे हम बचा करके ही रखेंगे, तो वह हमारी जिद जो है फिर हमारे लिए अशांति लाती है, दुख लाता है। जो हमें जीवन मिला है, जितना मिला है, उसको ही हम आनंदित रूप से जी सकें, वह यहाँ का दर्शन है भारत का। इसका वस्तु से मतलब नहीं है, अगर वस्तु से मतलब होता तो फिर जितने भी साधु संत फकीर हुए हैं ये सब तो बहुत सबसे दुखी होते हैं, क्योंकि इनका अपना तो कुछ रहा नहीं, अपने पास तो कोई बहुत रहा नहीं उनके पास, और उसके हिसाब से जो टाटा हैं, बिरला हैं, जिंदल हैं, अंबानी हैं, उनके वो सबसे परम आनंदित परम शांति वाले होते, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा तनाव है। और वे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं धन बटोरते हुए कि वे धन के गुलाम हो जाते हैं, अब उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि धन अपने साथ बहुत कुछ लाता है ना, सम्मान लाता है, अपने साथ संबंध लाता है, कई जिम्मेवारियां लाता है,
उतने सारी चीज़ों को जब लाता है तो वो उनके साथ उलझ करके फिर उसे वो निकल नहीं सकता। वो तो सोचा था कि कैसे मैं सुरक्षित हो जाऊं, कैसे मैं अपने परिवार को भी सुरक्षित कर लूं, हाँ सबको सुरक्षित कर, लेकिन है कोई सुरक्षित नहीं। और हर कोशिश के बावजूद भी कोई सुरक्षित नहीं है। इतनी दवाइयों का आविष्कार हो गया, कोई नहीं बचा। इतने अस्पताल हो गए।